आरजेडी की बात कर रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री के आवास से अपहरणकर्ता को छुड़वाया जाता था, जहां अपहरणकर्ता के साथ अपहरण अपहृत व्यक्ति का सौदा होता था, उस विपक्ष की बात कर रहे हैं। आरजेडी के बातों को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उनको कहेगी किसी बात का कोई मतलब नहीं है और उनकी बात का जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन बिहार में कानून का राज है, हर हालत में कानून का राज कायम रहेगा। कोई भी अपराधी हो, अपराध करेगा, बचेगा नहीं। सर, बिहार में जिस तरह से AK-47 से लगातार हत्याएं हो रही है, तो क्या लगता है सुशासन पर यह सवाल नहीं है? नहीं, सुशासन पे कोई सवाल नहीं। आपने खुद भी देखा, अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटती है, तत्काल गिरफ्तारी होती है, पुलिस एक्ट करती है। किसी भी हालत में कोई भी अपराधी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसको बख्शा नहीं जाता। यही कानून का राज है। जानते हैं कि हाल के दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अपराध का ग्राफ लगातार घट रहा है और मैंने कहा था कि कानून का राज है, कानून का राज कायम करना हमारी प्रतिबद्धता है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। इस कानून के राज को बताइए आप, कि आपके मंत्री हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अपराधियों से अपील करता हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है मंत्री जी ने, और इस बात को गलत ढंग से पेश किया जा रहा। पूरे संदर्भ को आप देखेंगे, कोई आपत्तिजनक बात नहीं।